ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन एक ही बात है। ओके, ये टॉपिक स्टडी कर रहे थे। अभी तक हमने पांच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी कर ली है। एक पीनियल पढ़ा, थाइमस पढ़ा, पिट्यूटरी पढ़ा, थायराइड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा। क्लियर? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नंबर सिक्स, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्रंथि, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तरीका, पहला पॉइंट क्या करेंगे, पोजीशन। ठीक है, स्थिति सब जानते हैं, ये किडनी के ऊपर होती है। बोलो, आपसे भी कह रहा हूं, मैंने कहा अबाउ किडनी। ठीक है, बोलो, किडनी के क्या होती है, ऊपर, जैसे ये किडनी है। ओके, तो ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी किडनी है, और ये क्या है, बोलो, मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ओके, और ये तो क्या है, बोलो, किडनी। तो किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, सुप्रा रीनल ग्रंथि। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ओके, तो सबसे पहले आप ये नोट करोगे, इतनी बात समझ में आए, बोलो आपको। ठीक है, पोजीशन सब जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की क्या होती है, किडनी के ऊपर। इसका मतलब ये ग्लैंड, बोलो, एक जोड़ी होगी, क्योंकि किडनी दो है, तो ये क्या होगी, एक जोड़ी। ठीक है, मैंने कहा आपको ये ग्लैंड क्या होती है, वन पेयर। ठीक है, एक जोड़ी ये ग्रंथि होती है। ओके, आ जाए नंबर टू पे। नंबर टू क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा आपको, ठीक है, नंबर टू है हमारा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, समझो इधर को। अभी मैंने कहा ये सपोजेड एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, समझना, तो क्या होता है, इसके एक भाग होता है सेंटर और एक होता है पेरिफेरल या आउटर पार्ट। ठीक है, ये जो सेंटर वाला भाग होता है वो होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला, क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला, क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और मैंने कहा ये कैसा पार्ट हुआ, अपन कहेंगे इनर पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट। ओके, और जो आउटर या पेरिफेरल, इनर पार्ट बोलूं या मैं बोलूं सेंटर पार्ट, ठीक है, सेंटर, बोलो, आपसे मेरे को पार्ट एक ही बात है, केंद्रीय भाग। और मैंने कहा ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, बोलो, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स, और इस ये क्या होता है, बोलो, मैंने कहा आउटर या मैं क्या बोल सकता हूँ, पेरिफ्रल, बोलो, पार्ट। ठीक है, परिधीय भाग होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आए। अब आपको मैं और क्या बता रहा हूँ, सुनो, जब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को और अच्छे से देखते हैं, क्लियर, तो इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, तीन जोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको अभी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, समझना मेरी बात को। ओके, ये मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया। ओके, एड्रिनल ग्लैंड की मैंने बताया आपको। अब आपको मैं इसी के अंदर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा जॉन, ठीक है,
क्या लिख रहा हूं, जोन ऑफ एड्रिनल, एड्रिनल ठीक है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कितने जोन होते हैं, तीन जोन होते हैं। इमेजिन करो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है ठीक है, जिसके अंदर ये क्या है बोलो, मेडुला। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कॉर्टेक्स के अंदर कितने जोन है, तीन बोलो, मैंने कहा बोलो कितने जोन है, बोलो तीन जोन है ठीक है, बोलो कितने जोन है, तीन जोन। एक ये सबसे पहले नंबर वन, इसको बोलते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ जोना ग्लो मेरुलोसा ठीक है। क्या नाम होता है, जोना ग्लो मेरुलोसा ठीक है, यानी जोना बोलो ग्लो मेरुलोसा ठीक है, ओके जोना ग्लो मेरुलोसा। ये जो जोना ग्लो मेरुलोसा होता है यह है, मैंने कहा मिन रेलो ठीक है, ये मिन रेलो कोर्टिकोइड्स ठीक है, कोर्टिकोइड्स बोलो मिनरेलो कोर्टिकोइड श्रेणी ठीक है का हार्मोन आपसे मैं कौन स्त्रावित करता है ठीक है, जिसका नाम क्या है बोलो, एल्डोस्टेरोन ठीक है। बोलो बात समझ में क्या है, एल्डोस्टेरोन। फिर मैंने कहा दूसरा जोन ये रहा भाई, इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, क्या बोलते हैं बोलो, जोना, जोना का मतलब क्या होता है, क्षेत्र क्लियर, जोना मैंने कहा फेसिकुलेटा ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो, जोना फेसिकुलेटा ओके। ये जो जोन होता है ये है, मैंने कहा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ठीक है, बोलो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मैंने कहा ग्लूको बोलो कौन सा बोलो, ग्लूको बोलो कॉर्टिकॉइड्स ठीक है, श्रेणी बोलो आपसे मैं कहूँ श्रेणी बोलो के हार्मोन स्त्रावित बोलो करता है ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बोलो, मैंने कहा कॉटी बोलो कॉटी बोलो कॉटी, मैंने कहा कॉर्टिसोल ठीक है, क्या है बोलो, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पर सबसे अंदर का जोन है ये जोना रेटिकुलेरिस, क्या है बोलो, जोना रेटिकुलेरिस ठीक है, कौन सा जोन है बोलो, जोना रेटिकुलेरिस ठीक है। और ये जो जोना रेटिकुलेरिस होता है यह है, मैंने कहा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स ओके, सेक्स कॉर्टिकॉइड श्रेणी ठीक है, के हार्मोन मैंने कहा स्त्रावित स्त्रावित करता है ठीक है, करता है जैसे बोलो, मैंने कहा जैसे टेस्टोस्टेरोन, मैंने कहा एस्ट्रोजन ओके एटसेट्रा, बोलो बात समझ में आए। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जो कॉर्टेक्स होता है उसके कितने जोन बताए, तीन जोन बताए। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित करता है क्लियर। तो आपको यहाँ पर मैंने ये दो डायग्राम बताए, समझ में आया बोलो, नोट करोगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला ठीक है, आउटर या पेरिफेरल पार्ट, आउटर या मैंने लिखा आउटर या पेरिफेरल पार्ट ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बोलो परिधीय भाग, क्या बोलते हैं परिधीय भाग ओके, बाह्य या परिधीय भाग।
बनाया बोलो ये, ठीक है। ओके और इन तीन जोन को याद करने की ट्रिक क्या है बोलो? मैंने कहा GFR, ठीक है। क्या लिखा बोलो? GFR। बात समझ में आए बोलो? हम जनरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, तो वैसे ही ट्रिक है। GFR, जी का मतलब ग्लोमेरुलेसा, एफ का मतलब फेसिकुलेटा, आर का मतलब रेटिकुलरी। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन बनते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस श्रेणी का होता है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड श्रेणी कोर्टेक्स के किस जोन से स्रावित होते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, क्लियर। जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। याद करने की ट्रिक क्या बताई? GFR, क्लियर। ग्लोमेरुलेसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस।
सेक्स कोर्टिकॉइड्स, ठीक है, पूरे कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन स्त्रावित होते हैं सब के सब स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, इसीलिए देखो मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड, क्लियर। अभी आपको कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंस बताऊंगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, बोलो आपको, एक बार स्ट्रक्चरल पार्ट जान लिया, ओके। तो अब हम आगे आते हैं नंबर थ्री में, बोलो ये किया नोट, बोलो ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट था, हो गया नोट, बोलो ठीक है। अब क्या, वापस सुनो नंबर थ्री, नंबर थ्री मैंने कहा मुझे बताना है हार्मोन, ठीक है, चलो हार्मोन बताना है, तो मैंने कहा ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। एड्रिनल ग्लैंड के कितने भाग हैं, दो भाग है, एक कौन है, बोलो आप कहोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक कौन सा भाग है, बोलो एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला, ओके। अच्छा, मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए पहला पॉइंट ये क्या होता है, 80% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का 80% भाग अकेला कौन होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, 20% बोलो पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। पहले बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको, पहले एक बार ध्यान दो। नंबर टू, मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसा भाग होता है, हम कहेंगे पेरिफेरल पार्ट, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट का मतलब क्या हुआ, आउटर, क्लियर। बोलो बात समझ में, हिंदी में बोलूँ तो क्या हुआ, परिधीय भाग, क्लियर। अच्छा, ये कैसा पार्ट होता है, मैंने कहा सेंट्रल पार्ट, ठीक है, बोले तो कैसा होगा, केंद्रीय भाग, ओके। चलो, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो ओरिजिन में मीजोडर्मल होता है, क्लियर, और जबकि मेडुला होता है वो एक्टोडर्मल होता है। तो मैंने कहा ओरिजिन में, ठीक है, ओरिजिन में ये कैसा होता है, बोलो, मैंने कहा मीजोडर्मल पार्ट, क्लियर, और जबकि ये वाला कैसा होता है ओरिजिन में, मैंने कहा ओरिजिन में कैसा होता है, एक्टोडर्मल, क्लियर। इसका मतलब मुझे कोई एग्जाम में पूछे है एड्रिनल ग्लैंड ओरिजिन में कैसी है, तो एक्टोमीजो डर्मल, क्लियर। मैंने आपको अभी तक पांच ग्लैंड पढ़ाई, पीनियल एक्टोडर्मल, पिट्यूटरी एक्टोडर्मल, थाइमस एंडोडर्मल, बोलो थायराइड एंडोडर्मल, पैराथायराइड एंडोडर्मल, और ये एक्टोमीजो डर्मल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नंबर फोर्थ, जो कॉर्टेक्स है वो जितने भी हार्मोन स्त्रावित करता है वो सब स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, जबकि मेडुला वाले प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो मैंने कहा, बोलो ये है स्टेरॉइड, ठीक है, नेचर, बोलो आपसे मैं को स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड प्रकृति, ठीक है, प्रकृति के हार्मोन, हार्मोन बोलो मैंने कहा स्त्रावित करता है, ठीक है, बोलो जबकि इधर क्या बोलेंगे, यह मैंने कहा प्रोटीन नेचर, ठीक है, प्रोटीन नेचर, बोलो प्रोटीन प्रकृति, ठीक है, प्रोटीन प्रकृति, बोलो के हार्मोन, हार्मोन स्त्रावित करता है, ठीक है। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद नंबर फाइव बात क्या करें, भाई हमने ऊपर टाइटल क्या लिखा था, हार्मोन, तो इधर बोलो कॉर्टेक्स के हार्मोन, इधर मेडुला के हार्मोन, क्लियर। ये तो हमने एक बार कॉर्टेक्स और मेडुला में अंतर भी देख लिया, बात समझ में आई, बोलो। मैंने कहा इसके हार्मोन, क्लियर, इसके हार्मोन कौन कौन होते हैं, मैंने कहा अभी बताया, एक एल्डोस्टेरोन, क्लियर, दूसरा मैंने कहा कॉर्टिसोल, एक मैंने क्या बताया, बोलो सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन बोले तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है, बोलो बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, अब तो हमें ये तक पता है कि ये हार्मोन कौन सी श्री श्रेणी के हैं, ये तक पता है कौन से जोन से स्त्रावित होते हैं, क्लियर, बोलो समझ जाओगे, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और
बोलो सेक्स हार्मोन, इधर बात करें हार्मोन, क्लियर। तो मैंने कहा इधर तो दो ही हार्मोन है, बोलो एक आपका नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, नॉर एड्रीनलिन का ही दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन, ध्यान समझना। और दूसरा कौन होता है, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन, क्लियर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, क्लियर। कुछ बात समझ में आई बोलो आपको, यानी आपसे मैं कहूँ कौन सा है, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन, और इधर कौन सा है बोलो, ये एड्रिनलिन, क्लियर। और एड्रिनलिन हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या होता है, नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर। तो ये इसके और ये इसके पॉइंट नंबर थर्ड समझ में आया बोलो आपको, नोट कर लिया जाए। यहाँ हमने एड्रिनल और मेडुला में डिफरेंस भी देख लिया और साथ के साथ हार्मोन कौन से होते हैं वो भी देख लिए। ओके हो गया नोट, बोलो ये ठीक
हैं, हटा दूं। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, बोलो आपसे मैं कहूँ फंक्शन, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा एड्रिनल, एड्रिनल हार्मोन, क्लियर। एड्रिनल के हार्मोन के फंक्शन देखने पड़ेंगे, बोलो हार्मोन के नाम पता चल गए हैं। इधर देखना जरा, पहला कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। एल्डोस्टेरोन मैंने कहा हार्मोन, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, ये मिनरलोकोर्टिकोइड श्रेणी का होता है, क्लियर, बताया मैंने आपको, यह है बोलो एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, के मैंने कहा जोना, बोलो जोना ग्लो मेरु लोसा, ठीक है, जोना ग्लो मेरु लोसा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्षेत्र से बोलो स्त्रावित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायग्राम में पिक्चर क्लियर की थी, फिर मैं क्या बता रहा हूँ, यह मिनरेलो कोटी कोइड्स, ठीक है, बोलो कौन सी श्रेणी का, श्रेणीज बोलो का, बोलो आपसे मैं कहूँ मिनरलो कोटिकोइड नेचर, बोलो आपसे का प्रकृति का हार्मोन होता है, ठीक है, मतलब क्या बता रहा हूँ, बोलो यह बोलो सॉल्ट रिटेनिंग, ठीक है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मतलब मैं क्या कहना डाल रहा हूँ, लवण प्रति बंधित, ठीक है, बोलो आपसे बंधित, लवण प्रतिबंधित हार्मोन, ठीक है, बोलो होता है, दिमाग में आता सर अभी भी हमें ये वर्ड समझ में नहीं आया है, क्लियर, तो एक्चुअली इसका कार्य क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, या सॉरी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की डीसीटी, डीसीटी मतलब समझते हो, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब, डीसीटी से एनए प्लस का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, करवाता है, तथा के प्लस का स्त्रावण, ठीक है, स्त्रावण करवाता है, ये इसका काम है, बोले तो अगर मैं आपको और बताऊं तो ये क्या काम करता है, ये है आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ये है डीसीटी, डीसीटी से एनए प्लस का तो क्या करता है, पुनः अवशोषण, ठीक है, और मैंने कहा बोलो के प्लस का क्या कराता है, स्त्रावण, ये किसका काम है, बोलो एल्डोस्टेरोन का काम है, इतनी बात समझ में आई, बोलो आपको, नोट करो। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ठीक है, RETANING, ठीक है, लवण प्रतिबंधित हार्मोन,
हो गया। ओके आगे इसी एल्डो स्टोन के बारे में क्या बातें बता रहा हूँ, ये सारे नोट किए। ओके आपको क्या बता रहा हूँ, एल्डो स्टिरोन हार्मोन ठीक है, के अति स्त्राव ठीक है। अति स्त्राव का मतलब हाइपोसिक्रेशन के हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ठीक है। बोलो मैंने कहा हाइपर, बोलो हाइपर ठीक है सिक्रेशन। ओके से मैंने कहा कौन सी डिजीज ठीक है, बोलो कौन सी डिजीज, बोलो कौन सी डिजीज ठीक है। मैंने कहा कौन सा रोग ठीक है होता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से रोग का कारण क्या है, एल्डोस्टेरोन का अल्प स्त्राव या अति स्त्राव, अति स्त्राव ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा एल्डोस्टेरोन हार्मोन ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ का स्त्रावण ठीक है, बोलो का, बोलो के स्त्रावण ठीक है, का बोलो आपसे मेरे को कंट्रोल रास सिस्टम ठीक है, बोलो रास सिस्टम बोलो से होता है ठीक है। दिमाग में आता है ये कौन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर लिखा बोलो आपसे मेरे को आर का मतलब रेनिन, ए का मतलब एंजियो टेंसिनोजन, बोलो रेनिन एंजियो, बोलो एंजियो टेंसिन, बोलो टेंस रेनिन एंजियो टेंसिन, बोलो एल्डो स्टिरोन सिस्टम ठीक है, बोलो किससे होता है, बोलो रेनिन एंजियो टेंसिन एल्डो स्टिरोन सिस्टम से होता है। दिमाग में आता सर ये कैसा सिस्टम है, क्या होता है इसमें, तो एक्चुअली समझना पूरी मैकेनिज्म को। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बोलो जब बोलो मैंने कहा ब्लड में बोलो एल्डो स्टीरॉन ठीक है हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, बोलो बात समझ में, जब ऐसा होगा तो किडनी ठीक है, बोलो किडनी का बोलो जीजे कॉम्प्लेक्स ठीक है, बोलो जक्स्ट्रा जक्स्ट्रा ग्लो मेरुलर ग्लो मेरुलर कॉम्प्लेक्स ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रेनिन हार्मोन ठीक है का स्त्राव करता है ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आए, ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, एंजियो टेंसी टेंसी नोजन ठीक है, जो कि क्या होता है इनएक्टिव होता है क्लियर, उसको किस में बदलता है ये रेनिन हार्मोन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूँ एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो बाद में किस में बदलता है, एंजियो बोलो टेंसिन सेकेंड में बदलता है, किस में बदलता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जाके क्या करता है, एड्रिनल बोलो कॉर्टेक्स, बोलो कॉर्टेक्स के जोना ग्लो मेरु लोसा ठीक है को क्या करता है, इंड्यूस करता है ठीक है। और जैसे इंड्यूस करेगा बताओ किस हार्मोन का ज्यादा स्त्राव होने लगेगा, एल्डोस्टेरोन का, जैसे लेवल बराबर हो गया ये सिस्टम काम करना बंद कर देता, बोलो बात समझ में। तो ये इसी को बोलते हैं बोलो आर ए एस, आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो नोट करोगे।
वह नोट बोलो। आपको एल्डोस्टिरोन का पूरा अच्छे से समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है, ओके। वह नोट बोलो। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम नंबर टू। नंबर टू क्या बोलो? कोटी सोल। ठीक है, कोटी सोल, ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले तो इसका स्त्रावण कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा से होता है। ठीक है, इसका मैंने कहा स्त्रावण, ठीक है, स्त्रावण सीक्रेशन, ठीक है, सीक्रेशन बोलो एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के मैंने कहा जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा से होता है। पहली बात बात समझ में आए? यह बोलो ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स नेचर बोलो का हार्मोन है। क्या कहना चाहता हूँ तो एक्चुअली इसका कार्य क्या होता है, यह मैंने कहा बोलो यह ग्लूको नियो जेनेसिस, ठीक है, बोलो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलो से संबंधित होता है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, अर्थात ये क्या करता है बोलो, फैटी एसिड से बोलो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियो जेनेसिस। बोलो बात समझ, इसीलिए किस नेचर का हुआ, बोलो बोलो किस नेचर का हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर, बात समझ में आए? कॉर्टिकॉइड्स
ग्लूकोइड्स, ओके आगे क्या लर्ड लिखा हुआ, ग्लूको, बात समझ में आए। और इसका मतलब अगर ये फैटी एसिड को ग्लूकोज में बदलेगा, अर्थ है बोलो ये है हाइपर, मैंने कहा ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है बोलो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब समझ में आया, बोलो बोलो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ठीक है होता है, अर्थात अर्थात ब्लड में बोलो ग्लूकोज बोलो इंक्रीज करता है, ठीक है। चलो ये एक तो काम हुआ, और बहुत सारे काम करता है ये, क्या क्या करता है इधर देखो, मैंने कहा अदर वर्क, ठीक है अदर वर्क के अंदर नंबर वन जो कोर्टिसोल होता है उसे एंटी एलर्जिक हार्मोन भी कहते हैं, यह है बोलो एंटी एलर्जिक, ठीक है बोलो मैंने कहा एंटी बोलो एलर्जिक, ठीक है एलर्जिक हार्मोन, ठीक है हार्मोन भी होता है, ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा अगर किसी को चींटी काट ले या किसी को एलर्जी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एविल के साथ डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं, जो डेक्सोना लगाते हैं उसमें यही कोर्टिसोल होता है, ये एंटी एलर्जिक, बात समझ में आए बोलो हार्मोन होता है। अच्छा बोलो मैंने ये तो बोला एंटी बोलो एलर्जिक हार्मोन, इतनी बात समझ में आए बोलो। अच्छा और क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ये है बोलो जीवन रक्षक हार्मोन, क्या बोला जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है जीवन रक्षक हार्मोन मतलब लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए लाइफ सेविंग हार्मोन कौन होता है, यही होता है, क्लियर। उसके बाद यह है मैंने कहा बोलो एंटी एंटीजन, बोलो एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी बोलो रिएक्शन, ठीक है हार्मोन 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 भी होता है, मतलब आप क्या समझे ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होने से रोकता है, बोलो बात समझ में आए, बोलो कैसे रोकता है ये है बोलो प्रतिरक्षा, ठीक है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या हुआ इम्यून सिस्टम, ठीक है को मैंने कहा संदमित, संदमित मतलब क्या इनहिबिट, ठीक है बोलो करता है, इसीलिए तो अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो लंबे समय तक इसको दिया जाता है, क्लियर। तो मैंने कहा अंग प्रत्यारोपण, ठीक है ये सारे के सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेशन, ठीक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बोलो आपसे मेरे को लंबे समय तक, लंबे बोलो समय तक इसे बोलो दिया जाता है, बोलो देंगे क्यों, क्योंकि ये रखेगा इम्यून सिस्टम को सप्रेस, तो हमारा कोई ऑर्गन किसी का हमारे बॉडी में डाला है तो बोलो धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा अपनी बॉडी में डाला, बॉडी कहेगा ये मेरा नहीं है, बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी, क्लियर। बताओ ये सारे काम भी समझ में आए बोलो, नोट कर लिया जाए, क्लियर। पहले ये वाले फंक्शन नोट करो,
मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। अतः यह हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके okay। ये सारे काम भी किसके बताए मैंने आपको? ठीक है, कोर्टिसोल। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो आपको। वह नोट बोलो। एक एक एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको पूछा जाए जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन होता है? कोर्टिसोल। एंटी एलर्जी कौन होता है? कोर्टिसोल। बोलो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय कौन सा दिया जाता है? कोर्टिसोल। ओके, यहीं पर क्या बात बता रहा हूँ, आगे समझना मेरी। ठीक है, ओके, ये तो नोट कर ही लिया आपने। इधर देखो, मैं यहाँ पर क्या नोट करके बता रहा हूँ कि कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल के बोलो अति स्त्राव। ठीक है, अति स्त्राव का मतलब क्या हो गया? हाइपर सीक्रेशन। ठीक है, से मैंने कहा से कुशिंग रोग। ठीक है, बोलो कुशिंग रोग कौन सा? बोलो कुशिंग, ठीक है, डिजीज। बोलो आपसे मैं कहूँ होती है। ठीक है, बोलो मैंने आपको बोलो इससे पहले मिनरलोकोर्टिकॉइड के अति स्त्राव से क्या हो रहा था? कॉन्स डिजीज। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड के अति स्त्राव से क्या हो रही है? कुशिंग डिजीज। बात समझ में आए? बोलो ओके।
उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, बोलो सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन मैंने कहा यह एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना, बोलो कौन सा, रेटिकुलेरिस, ठीक है, से स्त्रावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद यह सेक्स कोर्टिकोइड्स, ठीक है, सेक्स कोर्टिकोइड नेचर, बोलो के होते हैं। और मैंने कहा इसमें जो टेस्टोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन हार्मोन, ठीक है, मेल में सभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, करेक्टर, ओके, करेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, ठीक है, लक्षणों, बोलो आपसे मैं कहूँ लक्षणों को क्या करता है, बोलो कंट्रोल करता है, ठीक है, जबकि आपसे मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल, ठीक है, में बोलो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, करेक्टर, बोलो को कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो ओके। वह नोट बोलो, ओके। देखो ये जो मैंने बात बताई, अब आप राज के बात समझना। मेरे कहने का मतलब है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये मैं यहाँ पर किससे बता रहा हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेल फीमेल दोनों में होता है, क्लियर, इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड दोनों में है। अब होता क्या है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंट रहता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बोलो एक और सोर्स अपना बोलो टेस्टिस होता है, क्लियर, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंट होता है, क्योंकि मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी की ग्राफियन फोलिकल द्वारा किया जाता है। अब अगर सपोज दैट किसी मेल के अंदर बोलो एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा स्टिमुलेट हो गई, तो बोलो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का ज्यादा हुआ, तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो मेल में फीमेल के करेक्टर आने लगेंगे, और अगर फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट हो गई तो बोलो फीमेल में मेल के करेक्टर आने लग जाएंगे। इनको क्या बोला जाता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो मैंने कहा, बोलो यहां पर ये नोट किया, क्लियर, इसी अभी सेक्स हार्मोन में बता रहा हूं, एक तरफ लिखा हिरसू टिज्म, क्या लिखा बोलो, मैंने कहा हिरसू टिज्म, ठीक है, क्या लिखा, हिरसू टिज्म, और एक तरफ क्या लिखा, मैंने कहा गाइनेको मैस्टिजिया, ठीक है,
बोलो आपसे वो गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, बोलो क्या लिखा, गायनेको, मैंने कहा मेस्टिया, ठीक है, समझना। अब क्या होता है कि एक है फीमेल से रिलेटेड, एक है मेल से रिलेटेड। तो जैसे मैंने कहा हिर्सुटिज्म, ये फीमेल से रिलेटेड, क्लियर। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फीमेल में मेल के करेक्टर आएंगे, ठीक है। बोलो ये किससे संबंधित है, फीमेल से है, तो फीमेल के अंदर मेल के करेक्टर आना। मैंने कहा फीमेल में मेल के, बोलो आप समय को करेक्टर आना, ठीक है, दाढ़ी मूछे आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, ये सब, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो मेल से रिलेटेड, क्लियर। इतना बोला तो लक्षण क्या बोलूंगा, बोलो मेल में फीमेल के, फीमेल के, बोलो करेक्टर, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं, मैं बोलो करेक्टर, ओके, लक्षण आना, आवाज का, बोलो आप सब पतला हो जाना, ठीक है, ओके, हाव भाव ऐसे सब चदल जाते हैं। इधर देखो, अब मैंने कहा इसमें एक पक्का याद रखना, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आता फीमेल में मेल के करेक्टर वाला कौन सा रोग है, क्लियर। पता चला हिर्सुटिज्म में गायनेकोमेस्टिया, हम हो गए कंफ्यूज, क्लियर, या हिर्सुटिज्म में होता है मेल में फीमेल का करेक्टर, फीमेल में मेल का करेक्टर। अब अगर हमने कोई लॉजिक नहीं हुआ तो भूल जाएंगे, तो आप मुझे बताओ एच फॉर हैजबैंड, ठीक है। अच्छा बताओ हैजबैंड का किससे संबंधित होता है, बोलो फीमेल से। बोलो इसका मतलब इतना पता चल गया, फिर तो फीमेल में मेल के करेक्टर बोल ही दूंगा। बोलो बात समझ, एक पक्का याद रखो, दूसरा अपना आप याद रहेगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो नोट करोगे। आई बात समझ, बोलो ओके। पहले बताओ ये हिर्सुटिज्म गायनेकोमेस्टिज्म वर्ड समझ में आया, हाँ। ये हिर्सुटिज्म कब होगा, जब फीमेल के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना रेटिकुलरिस भाग ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, क्लियर, बोलो बात समझ में आए। और गायनेकोमेस्टिजिया अगर मेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा, क्लियर, मेरी बात समझे ही नहीं समझे, बोलो। हिर्सुटिज्म कब होगा, जब बोलो फीमेल, बोलो में एड्रिनल कॉर्टेक्स, बोलो का जोना रेटिकुलरिस, बोलो जोन, जोना रेटिकुलरिस, बोलो भाग, बोलो भाग अधिक अधिक अधिक, बोलो आपसे मेरे को स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट होगा, क्लियर। एक तरफ लिख दिया तो दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बोलो
अरे एक लिखा तो अपने आप ही समझ में आ गया ना। ठीक है, ये होता ही क्या हुआ बोलो, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया, ज्यादा होते फीमेल में मेल के करेक्टर आ गए। क्लियर? आने का कारण तो हार्मोन ही होगा, बात समझ रहे हो ना। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। ओके, अच्छा, अब हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स पूरा पढ़ लिया। क्लियर? यहां पर क्या स्पेशल नोट बता रहा हूं समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, बोलो के, मैंने कहा मिन रेलो, बोलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरेलो कोटिकोइड्स का मतलब एल्डोस्टिरोन। क्लियर? मिनरेलो कोटिकोइड्स का मतलब ब्रैकेट में क्या लिख दूं? एल्डोस्टिरोन एंड ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या लिख दूं? कॉर्टिसोल। ठीक है, के अल्प स्त्राव। ठीक है, याद करो मैंने अति स्त्राव का तो पहले ही बता दिया। मिनरलोकोर्टिकोइड का कौन सी डिजीज? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का कुशिंग डिजीज। अब क्या बता रहा हूं? हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन। मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स के, बोलो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अल्पस्राव से एडिसन रोग। कौन सा रोग होता है? बोलो एडिसन डिजीज। नाम सुना होगा, बोलो एडिसन डिजीज। बोलो बात समझ में आए? बोलो कौन सी डिजीज? बोलो एडिसन डिजीज। ठीक है, बोलो मैंने कहा होती है। ओके, नोट करोगे? आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छे से समझ में आया? बोलो। आपको हर एंगल से मैंने हर चीज बहुत अच्छे से बताई है। क्लियर? मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं अपन, बोलो नेक्स्ट हमारे कौन से? बोलो हम तो हार्मोन देख रहे हैं, पहला हमने कौन सा देखा? बोलो एड्रिनल कॉर्टेक्स का एल्डोस्टिरोन, कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन। अब हमारा कौन है? बोलो मैंने कहा एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, दोनों को एक साथ मैंने लिखा है। ठीक है, समझना। इसी को एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल सकता हूँ। मैंने कहा इसी को क्या कह सकते हैं? एपिनेफ्रिन। ठीक है, एंड नॉर एपी, मैंने कहा नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, बोलो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इधर ध्यान दो, मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है, बोलो आपसे मेरे को एड्रिनल एड्रिनल मेडुला। ठीक है, मेडुला बोलो से स्त्रावित, बोलो स्त्रावित होते हैं। एक बात क्लियर। दूसरी बात क्या कहूंगा? बोलो इधर ध्यान देना,
बोलो ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन का नेचर कैसा होता है, क्या होता है बोलो, प्रोटीन नेचर। मैंने कहा ये है बोलो प्रोटीन नेचर, ठीक है बोलो प्रोटीन नेचर, प्रोटीन प्रकृति, ठीक है प्रकृति के बोलो हार्मोन हार्मोन होते हैं, क्लियर। चलो अच्छी बात है, और क्या बता रहा हूं, देखो नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन का काम दोनों का समान होता है, लेकिन नॉरएड्रेनालिन सामान्य परिस्थितियों में स्रावित होता है और एड्रेनालिन आपातकालीन परिस्थिति में ज्यादा स्रावित होता है, क्लियर। क्या बता रहा हूं बोलो, दोनों का बोलो कार्य, ठीक है मैंने कहा समान होता है परंतु, ठीक है परंतु मैंने कहा परंतु बोलो नॉर एड्रेनलिन, ठीक है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन बोलो हार्मोन सामान्य, ठीक है सामान्य परिस्थितियों, ठीक है नॉर्मल कंडीशंस, मैंने कहा नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है में बोलो स्रावित होता है, ठीक है होता है, जबकि जबकि बोलो एड्रिनलिन, जबकि बोलो एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है हार्मोन मैंने कहा विपरीत बोलो विपरीत या ज्यादा वर्ड अच्छा क्या होगा बोलो, आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है परिस्थितियां यानी बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इमरजेंसी, ठीक है में स्रावित होता है, यहां कहानी समझ में आए बोलो आपको, ठीक है। अच्छा इतना नोट करो पहले, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। ओके आगे बढ़े, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इतनी बात समझ में आई बोलो, तो इसका मतलब ही हुआ एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है मैंने कहा बोलो एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है हार्मोन को मैंने कहा
इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एक बात और क्या बता रहा हूँ, अच्छा मैंने कहा यार इमरजेंसी कब आती है, तो हमने कहा एग्जाम्पल देखते हैं, जब जब हमें डर लगता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फेयर लगता है, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम में आता है, एक बच्चा हॉस्टल में रहता है और वो अपने हॉस्टल में गया और रूम का दरवाजा खोला, खोलते ही काला नाग लटका हुआ दिखाई देता है, बताओ उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित हो जाएगा, एड्रेनलिन, क्योंकि डर हुआ, बोलो क्लियर, अच्छा फियर, बात समझ में। फिर बात करते हैं कि बोलो और इमरजेंसी कब होती है, जब आपको मैंने कहा आप रास्ते में चल रहे हो मस्त मौला, बोलो इतने में पता चलता पीछे कुत्ता पड़ गया, आप बोलो स्पीडली भाग रहे हो, आपके अंदर कौन सा हार्मोन स्थापित हो जाएगा, एड्रेनलिन, क्लियर, बोलो फ्लाइट, जब आप बोलो डर के मारे दौड़ते हो, क्लियर। आपको मैंने कहा मस्त मौला, आप तो गाने सुन रहे थे, इतने में फोन आया मैं तेरे को मारने आ रहा हूँ, बोलो फाइट करने आ रहा हूँ, आ गई इमरजेंसी, क्या स्रावित हो जाएगा, एड्रेनलिन, क्लियर। ये तीन एग्जाम्पल दिए, इसी आधार पे क्या कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एड्रेनलिन हार्मोन को बोलो ट्रिपल एफ हार्मोन भी, बोलो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल एफ के अंदर एक एफ का मतलब क्या है, फियर, ठीक है, दूसरा एफ का मतलब क्या है, फाइट, और तीसरे का मतलब क्या है, बोलो फ्लाइट, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। इनको तीनों के अंदर ही क्या होती है, इमरजेंसी होती है, बोलो बात समझ में आए, डर समझ के बोलो ओके। डर के समय मैंने कहा लड़ाई के समय, ठीक है, और मैंने कहा भागने के समय, ठीक है, हमेशा क्या होती है, इमरजेंसी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हमने पूरी एड्रेनलिन के सारे हार्मोन का कार्य भी जान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल नोट नंबर वन, पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ, एड्रिनल ग्लैंड उत्पत्ति में एक्टोमीजो डर्मल होती है, ठीक है, बोलो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, बोलो ग्लैंड उत्पत्ति में मैंने कहा एक्टोमीजो डर्मल, अब तो हम अच्छे से कह सकते हैं क्योंकि सारा पढ़ लिया हमने, ठीक है, बोलो एक्टो मैंने कहा मीजो बोलो डर्मल, ठीक है, बोलो होती है, कैसी होती है, बोलो एक्टोमीजो डर्मल। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, क्या बता रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान से समझना, 4F हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रिनलिन को, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड को बोलो 4S ग्लैंड है, ठीक है, बोलो क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, देखो पहला एस, बोलो बात समझना, पहला एस मैंने लिखा सॉल्ट बोलो रिटेनिंग, बोलो काम करता है ये सॉल्ट रिटेनिंग का, अरे बताए भाई एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं उनके सबको मिलाकर मैं एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड बोल रहा हूँ, क्लियर, मैंने आपको झलकिया दी है इसकी, बात समझ में। नंबर टू मैंने कहा अगेन एस का मतलब क्या, पहला सॉल्ट रिटेनिंग बताया, फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैंने कहा सेक्स बोलो कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड समझ गए, बोलो सेक्स बोलो कॉर्टिकॉइड था ये, बोलो सेक्स कॉर्टिकॉइड, अच्छा
तीसरा मैंने कहा सुगर मेटाबॉलिज्म, अरे थाक नहीं था बोलो, सुगर मेटाबॉलिज्म अपना कोर्टिसोल था बोलो। अच्छा और एक मैं और क्या कह दूं, एस का मतलब मैंने कहा स्ट्रेस, ठीक है स्ट्रेस कह दूं बोलो, जब भी आप तनाव में आओगे तब भी इमरजेंसी है, तब भी आपको कंपनसेट कौन करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन, मतलब ग्लैंड कौन करेगी, एड्रेनल ग्लैंड। तो ये आपको मैंने जो चार बताया वो एस एस एस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ग्लैंड। क्लियर बोलो, नोट करोगे। बात समझ में आई बोलो, तो हमने छः की छः क्या पढ़ी, प्योर एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी। अब मैंने कहा हमें क्या पढ़नी है, मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़नी है, ठीक है, लेकिन मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़ने का तरीका हमारा अलग होगा, क्योंकि मिश्रित ग्रंथियाँ किसको कहते हैं, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, तो उसमें तो हमें यही देखना है एक्सोक्राइन पार्ट क्या है और एंडोक्राइन पार्ट क्या है। क्लियर, और एंडोक्राइन पार्ट होगा तो उसके हार्मोन क्या है, और हार्मोन होगा तो उसका कार्य क्या है। क्लियर, तो प्योर एंडोक्राइन मैंने सारी पढ़ा दी, पूरी एड्रेनल समझ में आए बोलो, याद हो जाएगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा ही है। अब हमारा क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो, मैंने कहा मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है मिक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है समझना। सबसे पहले परिभाषा क्या बोलूंगा, मैंने कहा वह सभी ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है वह बोलो ग्लैंड्स, मैंने कहा जिनमें एक्सोक्राइन, ठीक है बोलो आपसे मैं कहूँ पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब डक्ट, ठीक है बोलो, तथा एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है एंडोक्राइन पार्ट का मतलब हार्मोन, ठीक है बोलो, मैंने कहा बोलो दोनों दोनों उपस्थित होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। बोलो कौन है ऐसी, बोलो हमने कहा नंबर वन क्लियर अग्नाशय, ठीक है अग्नाशय मतलब पहली कौन सी पढ़ेंगे, पेंक्रियाज, ठीक है दूसरी कौन सी है बोलो, वृक्षण, वृक्षण बोले तो कौन, टेस्टीज, फिर कौन है बोलो, अंडाशय, मोस्ट पॉपुलर है ये ओवेरी, और मैंने कहा बोलो कौन, अपरा, अपरा मतलब क्या बोलो, प्लेसेंटा। क्लियर, तो इन चारों का हमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट देखना है। क्लियर, नोट करोगे। आई बात समझ में बोलो, ओके पहला हेडिंग डालोगे अग्नाशय पैंक्रियाज, ठीक है
ये रहा हमारा अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज। हमें पहले ही पता, हमें कैसे स्टडी करना है बोलो। मैंने आपसे कहा एक तरफ एक्सोक्राइन पार्ट क्लियर, और एक तरफ क्या बताऊंगा, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट समझो। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इसका, उसको बोलते हैं एसिनी ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। बोलो अग्नाशय, आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो एसिनी, क्लियर। अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, उससे क्या निकलती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, क्या निकलती है, अग्नाशय नलिका। बोलो कौन सी नलिका, अग्नाशय नलिका, क्लियर, ओके। और इस डक्ट के द्वारा कौन बाहर आता है, पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा जूस आता है, अग्नाशय रस, क्लियर। बोलो बात समझ में आए, बोलो अग्नाशय रस, क्लियर। अच्छा, ये रस जाके कहाँ पाचन करता है, बोलो ग्रैनी यानी ड्यो डी नम, ठीक है, बोलो में पाचन, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं पाचन में सहायक, ठीक है। अच्छा, मुझे तो केवल यही बतानी थी, ये मैंने इसलिए बताया थोड़ा बेस बने, बाकी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करते हैं, आ जाते हैं। हमारे मेन काम की चीज क्या है, एंडोक्राइन पार्ट, क्लियर। मैंने कहा इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। बोले तो क्या होता है लैंगर हैंस, बोलो लैंगर हैंस के द्वीप समूह, ठीक है, क्या लिखा, लैंगर हैंस के द्वीप समूह, क्लियर। दिमाग माता ऐसा नाम कैसे है, तो उसके लिए मुझे आपको बोलो स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, क्लियर। लेकिन उससे पहले आपका जो पेंक्रियाज होता है उसका 99% पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइन, और 1% ही पार्ट एंडोक्राइन होता है, क्लियर। अब इधर समझना मेरी बात को, पहले आप ये नोट करो, ओके। एक परसेंट एंडोक्राइन पार्ट लैंगरेंस के द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है, लैंगर हैंस, ठीक है, मेरी बात समझ में आए बोलो आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, जिसमें चार सेल्स होती है, एल्फा बीटा डेल्टा और बोलो पीपी सेल्स, क्लियर, चार सेल होती है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें कितनी सेल होती है, बोलो चार सेल, एल्फा सेल, बोलो बीटा सेल, ओके। मैंने कहा डेल्टा सेल और पीपी सेल, क्लियर, कितनी सेल बोलो, 1, 2, 3 और 4, क्लियर। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको, ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। अब मैंने कहा अगर एंडोक्राइन पार्ट है ये सेल है, तो यही हार्मोन को स्रावित करेगी, तो एल्फा सेल किसका करती है बोलो, मैंने कहा बोलो यहां पर, ठीक है, इधर ध्यान देना, एल्फा सेल बोलो ग्लूकागोन, ठीक है,
हार्मोन, किस हार्मोन का स्रावन करती है बोलो? ग्लूकागॉन, ठीक है, हार्मोन का स्रावन, ठीक है। अच्छा, बीटा सेल वेरी पॉपुलर, किसका करती है बोलो? इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, ओके, का स्रावन। कौन सा हार्मोन बोलो? मैंने कहा इंसुलिन, ठीक है, हार्मोन, क्लियर। फिर डी बोलो डेल्टा सेल, मैंने कहा सोमेटो स्टेटिन हार्मोन, ठीक है, किस हार्मोन का करती है बोलो? सोमेटो स्टेटिन, ठीक है, बोलो, मैंने कहा स्टे सोमेटो, ठीक है, स्टेटिन हार्मोन, ओके। और जो पीपी सेल होती है, क्लियर, जो पीपी सेल होती है बोलो उसको समझना, ओके। मैंने कहा पीपी सेल, ओके, पीपी सेल, मैंने कहा पेंक्रियाटिक बोलो पॉली पेप्टाइड, ठीक है, हार्मोन, बात समझ में आए बोलो, का स्त्रावण करती है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आए बोलो? किया नोट बोलो? ओके, अच्छा, अगर इन हार्मोनों का कार्य देखें, बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा यहाँ पर कार्य, इन दोनों का कार्य तो एक दूसरे का उल्टा है, बोलो। इंसुलिन का कार्य तो दुनिया को पता है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम करना, क्लियर, बोलो। मैं आपसे कहूँ ब्लड में बोलो ग्लूकोज ग्लूकोज का स्तर कम करना, ठीक है, बोलो बात समझ में। तो इसका काम क्या होगा बोलो? ब्लड में ग्लूकोज का बोलो स्तर इंक्रीज करना, ठीक है, बोलो बात समझ में आए। अच्छा, सोमेटोस्टेटिन, ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वेजो कॉन्ट्रैक्टर, वेजो कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बोलो हार्मोन, आपसे मैं कह रहा हूँ होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ब्लड वेसल्स में संकुचन कराता है, ठीक है, अर्थात मैंने कहा ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त वाहिनियों में बोलो संकुचन, ठीक है, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बोलो करवाता है, बोलो करवाता है, मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके, और इसका तो काम ही क्या होता है? अल्फा एंड बीटा, बोलो अल्फा एंड बीटा सेल को कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल अल्फा एंड बीटा सेल, बोले तो इन हार्मोन के स्रावण को कंट्रोल करना, इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट तो ये दो ही है, क्लियर, अल्फा और बीटा, क्लियर। वैसो कॉन्ट्रैक्टर ब्लड वेसल्स को संकुचित करने वाला, ठीक है, अब ठीक है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर हार्मोन होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन संकुचित करवाता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, कौन सा है?
पैंक्रियाटिक, ठीक है, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक पॉली पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, और सेल का ही पूरा नाम क्या है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, क्लियर। वैसे तो इसका कार्य अज्ञात है, लेकिन कुछ बोलते हैं ये कंट्रोल ऑफ अल्फा बीटा सेल्स। मैंने अल्फा और बीटा, इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, मतलब मैंने एक बार जो हमारा टारगेट था कि पेंक्रियाज को मैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहा हूँ, तो उसका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन मैंने आपको समझाया। अब मैं बाकी और फंडा क्लियर कर रहा हूँ स्पेशल नोट से, समझना। स्पेशल नोट में पहला पॉइंट है मेरा आपका कि बोलो आपसे मेरे को इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज, क्लियर। जो अभी बताया उस फंडों को और क्लियर कर रहा हूं। क्या देखते हैं कि जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके, क्लियर। तो क्या देखा बोलो यहां पर, समझना। ओके, क्या देखा, क्या देखा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, इधर देखना, ये देख रहा है लैंगरेंस। कौन देख रहा है? लैंगरेंस इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है? पूरी पैंक्रियाज के अंदर चारों तरफ एसिनी ही नजर आती है। इसको क्या बोला? एसिनी ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। बोलो एसिनी ऑफ, क्या लिखा मैंने? बोलो पैंक्रियाज। ओके, और ये क्या होगी? बोलो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्लियर। फिर क्या देखता है इस, बोलो पेंक्रियास के अंदर मैक्सिमम 99% तो यही भाग है, क्लियर। फिर इसने क्या देखा? कहीं कहीं पर कुछ सेल्स देखी। अब उसने कहा इसका क्या नाम दूं? तो इसने कहा यार एक बात बताओ, जिस तरह से समुंदर में चारों तरफ पानी पानी होता है, बीच में कहीं टापू होता है, ठीक वैसे ही इस पेंक्रियाज की इंटरनल स्ट्रक्चर में चारों तरफ ऐसी नहीं है, कहीं पर एंडोक्राइन छोटा सा भाग है। तो इसने कहा यार मैं देख रहा हूं, तो मेरे नाम पे क्या कह देता हूं? अलर्ट्स ऑफ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं लैंगर हैंस। बोलो नाम कैसे पड़ा इसका, समझ में आया? बोलो क्या बोल दिया इसको? लैंगर हैंस के द्वीप समूह। अब तो मेरी बात समझ में आए, इसके माइंड में ये नाम कहाँ से आया? इसने किससे तुलना की? समुद्र के अंदर चारों तरफ पानी पानी, कहीं पर छोटा टापू होता है जिसको हम आइलैंड्स बोलो आपसे मैं करो बोलते हैं। तो उसने कहा ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है, और यही क्या पार्ट है? बोलो एंडोक्राइन पार्ट, क्लियर, जो 1% ही है, जिसके अंदर अल्फा बीटा बोलो गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा डीटा और पीपी सेल्स है, क्लियर। बोलो एग्जामों में पूछा जाता है इसमें कितनी सेल्स होती है? 4 टाइप सेल्स। ओके, तो पहला स्पेशल नोट में मैंने जो यहां पर बताया उन नामों को अच्छे से समझाया, क्लियर। नोट करोगे?
बात समझ में आई मेरी आपको? ओके हटा दूं मैं बोले ये दूसरा स्पेशल नोट। मैंने कहा आपको कि बोलो फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। वैसे तो हमने फंक्शन लिख दिया कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, दिमाग में आता कैसे करता है, क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके फंक्शन को समझना। पहला काम क्या करता है ये, बोलो ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। बताओ ग्लूकोज का लेवल कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना बोलो। अच्छा दूसरा काम क्या करता है ये है, बोलो बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज की बोलो परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी मतलब पारगम्यता, ठीक है। पारगम्यता को बोलो इंक्रीज करता है। बताओ ये दो काम, मेन दो काम ये करता है, बात समझ में आए। अच्छा और मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यह है बोलो फेट यानी वसा, ठीक है। बोलो के विघटन, आपसे मैं कह रहा हूँ, को रोकता है, ठीक है। बोलो फेट के विघटन को क्या करता है, रोकता है, डिग्रेडेशन ऑफ फेट को रोकता है। अब मेरी बात समझना, पहले बताओ इनसे आपको क्या पता चल रहा है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अब समझना, बोलो आपसे किसी पर्सन में हाइपो इंसुलिनिज्म हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, बोलो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा और व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। बोलो बात समझ में आए। यदि किसी बोलो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति में मैंने कहा हाइपो इंसुलिज्म, ठीक है। हाइपो इंसुलिज्म का मतलब क्या हुआ, बोलो इंसुलिन का कम स्त्राव, ठीक है। हाइपो मैंने कहा इंसुलिज्म, ठीक है। बोलो आप समय को हो जाता है, ठीक है, हो जाता है तो उसके ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज, ठीक है, बोलो ग्लूकोज का स्तर इंक्रीज हो जाता है, जिससे जिससे डायबिटीज, डायबिटीज बोलो मैंने कहा मेलाइटस, ठीक है, मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस बोलो आपसे मैं करूँ होता है, ठीक है, नोट करोगे। यहीं पे एक नोट क्या लिख रहा हूँ, एक होता है डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस यह है बोलो एडीएच, कौन से हार्मोन से संबंधित होती है, एडीएच, ठीक है, हार्मोन बोलो से संबंधित, ठीक है, संबंधित होती है।
नॉट बताया डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस तो इंसुलिन हार्मोन से हुई, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन से संबंधित होती है। नाम सुना डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, व्यक्ति को ज्यादा यूरिन लगती है, ठीक है। इसमें बोलो मूत्र यूरिन, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ का स्त्रावण, ठीक है, अधिक, ठीक है, अधिक होता है। यूरिन सीक्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। आई बात समझ में? अब मैंने सब कुछ बताया, लेकिन ज्यादातर कंपटीशन में यही क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन किस सेल से होता है, या आपको पूछते ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किस सेल से होता है, या पूछते बीटा सेल किस हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो मैंने कहा ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, क्लियर। बोलो मैंने कहा इंसुलिन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण, स्त्रावण क्रम से बोलो कौन सी सेल्स से होता है, क्लियर। बोलो बात समझना, ऑप्शन में क्या होगा, बोलो अल्फा सेल एंड बीटा सेल, क्लियर। बोलो क्या होगा, बीटा सेल एंड अल्फा सेल, दो तो ऐसे ही होंगे, अच्छा और क्या होंगे, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, क्लियर। और क्या होगा बोलो, डेल्टा सेल एंड बीटा सेल। अब मेरी बात को समझो, वैसे तो याद रहता है, सपोज दैट भूल गए तो हम कैसे याद रखेंगे, क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, समझना मेरी बात को, मेरी नज़र में इस दुनिया में अच्छा इंसान कौन है, जो अच्छा बेटा होता है, शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखता है, क्लियर। पत्नी का रखे अच्छी बात है, लेकिन साथ में किसका ख्याल रहता है, बोलो मम्मी पापा का। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो ट्रिक क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बोलो अच्छा इंसान, ठीक है, इंसान वह होता है जो अच्छा, अच्छा मैंने कहा बेटा होता है। इसका मतलब मैंने अच्छा इंसान का संबंध किससे कर दिया, अच्छे बेटे से कर दिया। बोलो बात समझ में, इसका मतलब इन दोनों का संबंध है, इसका मतलब इंसान से क्या निकाला, इंसुलिन हार्मोन, और बेटा से क्या निकाला, बीटा से। अगर ये याद है फिर तो काम हो ही जाएगा। बोलो आपको क्या लिखा, इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो बीटा और अल्फा। ग्लूकागोन इंसुलिन पूछते तो बता देते। बोलो मेरी बात समझ में, नोट करोगे, बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। ये इस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम स्पेशल नोट देख रहे हैं। बोलो स्पेशल नोट के अंदर दूसरा पॉइंट में मैंने सारी बातें बताई, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। तीसरा स्पेशल नोट क्या है, मैंने कहा सिम्टम्स, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ हाइपो इंसुलिज्म, ठीक है, मतलब अगर हाइपो इंसुलिज्म है तो बोलो क्या लक्षण आएंगे, ठीक है। बोलो मैंने कहा बोलो हाइपो
इंसुलिज्म, ठीक है, बोलो के लक्षण, या मैं बोल दूं डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण, एक ही बात है बोलो, हाइपोइंसुलिज्म होगा तभी तो डायबिटीज होगी ना। देखो क्या होगा, नंबर वन, अब ये लक्षण जो मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक वर्ड बता रहा हूँ जो अक्सर ऑप्शन में आते हैं, इधर देखो आपको पता चल गया इंसुलिन का कम स्त्राव हो रहा है। पहला लक्षण क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना। यहाँ पर मैंने लिखा हाइप पर, बोलो ग्लाई, बोलो सेमिया, ठीक है, बोलो हाइपर, हाइपर, मैंने कहा हाइपर ग्लाई सेमिया, क्लियर। ऐसे साइंटिफिक वर्ड लिखेंगे और उनका मतलब लिखेंगे। बोलो कितना लिखूं, इधर देखो, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, पहले बताओ मीनिंग समझ आओगे नहीं समझ आओगे। अच्छा और क्या होगा, वैसे तो ग्लूकोज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होता है, कभी भी किडनी से यूरिन के द्वारा नहीं निकलता, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज यूरिन से निकलने लगेगा, इसको बोलते हैं, बोलो ग्लाइकोसूरिया, क्या बोलते हैं, ग्लूको, बोलो मैंने कहा ग्लाइको, बोलो ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, मतलब क्या होगा, बोलो ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, बोलो क्या बोलूंगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, पहले बताओ मैं ये ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे, बोलो मेरी बात समझ में आई ना। अच्छा और क्या होगा, मैंने कहा जब यूरिन ज़्यादा निकलेगा उस व्यक्ति को प्यास भी ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया, क्या बोलते हैं, बोलो पॉलीडिप्सिया, ठीक है, डिप्सिया, ओके, मतलब क्या बोला मैंने, पॉलीडिप्सिया, बोलो पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास बोलो का अधिक लगना, ठीक है। अच्छा जब ग्लूकोज निकलेगा तो बोलो यूरिन भी ज़्यादा पास आउट करेगा, बोलो आपसे मैं कहूँ यूरिन पास आउट ज़्यादा करेगा तो पोली यूरिया, बोलो क्या बोलूँगा, बोलो पोली यूरिया, क्लियर, क्या बोलूँगा, पोली यूरिया, पोली यूरिया, बोलो पोली यूरिया, पोली यूरिया का मतलब क्या है, अधिक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यूरिन, यूरिन पास आउट, पास आउट करना, ठीक है। अच्छा बोलो जब व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सेल में भेजने का काम तो इंसुलिन करता है, ये हाइपो इंसुलिज्म हो गया है, तो व्यक्ति को कितना भी खिलाओ भूख उसकी मिटती नहीं है, बोलो बात समझ में। डायबिटीज वालों का क्या होता है, आपने खाना खिलाया 2 घंटे बाद कुछ और खाओगे, हाँ 4 घंटे बाद और, तो इसका मतलब उनकी भूख कभी मरती नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया, अधिक भूख का लगना, क्या बोलते हैं, बोलो पॉलीफेजिया, क्लियर, पॉलीफेजिया, क्या लिखा मैंने, बोलो पॉली, पॉलीफेजिया, क्लियर, पॉलीफेजिया का मतलब क्या हुआ, भूख का अधिक लगना, ठीक है, बोलो लगना, बात समझ में आए, बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। अच्छा अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, बोलो आपसे मैं को हाइपोइंसुलिज्म लगातार है तो क्या हो जाएगा, बोलो कीटो यूरिया, कीटो यूरिया का मतलब यूरिन से कीटोन बॉडी, बोलो कीटोन बॉडी, बोलो का निकलना, ठीक है, निकलना, बात समझ में आए, बोलो ओके। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, बोलो हाइपो इंसुलिज्म के हैं, क्लियर। हाँ? यूरिन से कीटोन बॉडी का निकलना, ठीक है, आप सोचो इंसुलिन का काम था वसा के विघटन को रोकना, अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी वसा का विघटन होगा कीटोन बॉडी बनेगी तो यूरिन से निकलेगी, बोलो बात समझ में। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादातर बोलो डायबिटीज मोटे लोगों को होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को, मोटे लोग को डायबिटीज हो गई और 20 साल तक वो दवाई बराबर ले रहा है और मोटा का मोटा ही है, इसका मतलब उसकी डायबिटीज कंट्रोल में है। और अगर एक व्यक्ति बहुत मोटा है, उसको हो गई डायबिटीज और 5 साल में एकदम लकड़ी जैसा दुबला पतला हो गया और लोगों को कहे मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मेरी डायबिटीज कंट्रोल है, वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि बोलो मोटे का पतला होने का मतलब डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझ में आई,
बोलो, अगर मोटा है फिर भी मोटा रह रहा है 10 साल बाद भी, इसका मतलब डायबिटीज कंट्रोल है। मेरी बात समझ में आए? बोलो बोलो, यही तो काम इंसुलिन का है। ये सारे किसके लक्षण बताए मैंने आपको? हाइपोइंसुलिनिज्म के, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मिश्रित ग्रंथियां, मेन पेंक्रियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्लियर। उसके एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट भी देखा और बहुत सारे स्पेशल नोट भी देखे, क्लियर। ये सारे टर्म अपने आप में एग्जाम के क्वेश्चन है। बोलो आज आपको कोई पूछे ग्लाइकोसूरिया का अर्थ क्या होता है तो आप बता सकते हो। बोलो क्या बोलते हैं? यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति। या पूछे कि ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ओके, बात समझ में आई? बोलो, हम मिश्रित ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, मेन एक पैंक्रियाज पढ़ा, अब हम तीन जो छोटी छोटी है उनको पढ़ते हैं। आज हमारा टारगेट है पूरा टॉपिक कंप्लीट करना, बात समझ रहे हो ना? ओके, क्या नोट? बोलो, अच्छा अब मैंने कहा नंबर टू कौन है? टेस्टिस, ठीक है। वृषण, हमें क्या देखना है? बोलो दो एस्पेक्ट। बोलो एक एस्पेक्ट कौन सा? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट बोले तो डक्ट, और मैंने कहा बोलो टेस्टिस की डक्ट कौन सी होती है? वासा डिफरेंसिया। कौन सी होती है? बोलो वासा डिफरेन बुलोसिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मैंने कहा वासा, ठीक है, वासा डिफरेन सिया, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शुक्र बोलो वाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। अच्छा रही बात एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? तो मैंने कहा इंटरस्टीशियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? बोलो अंतराली कोशिकाएं, ठीक है, इंटरस्टीशियल। बोलो मैंने कहा इंटरस्टीशियल बोलो सेल, ठीक है। इंटरस्टीशियल सेल मतलब बोले तो क्या? अंतराली कोशिका, ठीक है। अच्छा इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो लीडिंग सेल, ठीक है। कौन सी कोशिका? बोलो लीडिंग कोशिका, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर बोलो लीडिंग सेल, ठीक है। और ये लीडिंग सेल किस हार्मोन का स्त्राव करती है? एंडोक्राइन पार्ट तो तभी कहेंगे जब हार्मोन का स्त्राव करेगी। मैंने कहा बोलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन भी बोलो का स्त्रावन, ठीक है। अच्छा इसका कार्य तो अभी देखा था, बोलो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का कंट्रोल करना, ठीक है। काम क्या है बोलो इस हार्मोन का? आप कहोगे बोलो कंट्रोल ऑफ ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन मेल, क्लियर। बोलो मेल में सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करना, बात समझ में आई? बोलो हमारा काम मिक्सोक्राइन ग्लैंड प्रूव करना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। बाकी टेस्टिस की हमें ज्यादा यहाँ स्टडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करते हैं। बोलो यहां मैं केवल एंडोक्राइन एस्पेक्ट बता रहा हूं, क्लियर।
यहीं पर एक नॉट लिख सकते हैं, क्या टेस्टिस में सर्टोली कोशिका, ठीक है, खाली ऐसे ही नोट बता रहा हूं, सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली सेल्स, ठीक है, बी होती है जो जो नव निर्मित, ठीक है, शुक्राणु, मैंने कहा न्यूली फॉर्म स्पर्म, ठीक है, बोलो आप समय को स्पर्म को पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन बोलो प्रदान करती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नर सेल भी कहते हैं, ठीक है, बोलो क्या कहते हैं, नर सेल। ये तो मैंने आपको ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है कि टेस्टिस की कौन सी सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, तो अंतराली भी ऑप्शन होगा तो सर्टोली भी होगा, क्लियर। बात समझ में आई मेरी, बोलो ओके। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, बोलो अंडाशय, ठीक है, अंडाशय बोले तो ओवेरी, ओवेरी के अंदर दोनों एस्पेक्ट देखें, एक है हमारा एक्सोक्राइन पार्ट, कौन होता है बोलो फेलोपियन ट्यूब, क्लियर, कौन होती है बोलो फेलोपियन, बोलो मैंने कहा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलो मैंने कहा पियन नलिका, क्लियर, इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, क्या होता है ओविडक्ट, चलो इधर आ जाते हैं, बोलो मैंने कहा एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट में बोलो एक होता है मैंने कहा ग्राफियन, ग्राफियन फोलिकल्स, ठीक है, ग्राफियन मैंने कहा फोलिकल्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, ग्राफियन पुट्टी काएं, ठीक है, अच्छा ये क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण, ठीक है, बोलो मैंने कहा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन बोलो हार्मोन, ठीक है, का मैंने कहा स्त्रावण, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, क्लियर, अच्छा और क्या होता है, कॉर्पस लूटियम, नाम सुना बोलो कॉर्पस लूटियम, क्या लिखा मैंने बोलो कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवुलेशन हो जाता है जो स्ट्रक्चर बचती है उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं, और यह है मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड रिलैक्सिन, बोलो रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, बोलो का क्या करती है, बोलो स्त्रावण, ठीक है, बात समझ में आए, बोलो इसका मतलब ओवेरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, दोनों किससे होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से, जबकि एस्ट्रोजन किससे होता है, ग्राफियन फोलिकल से। बात समझ में आए, बोलो तीन हार्मोन है तो इनके काम भी होंगे, एस्ट्रोजन का काम तो अभी बताया, फीमेल में सभी सेकेंडरी सेक्सुअल को करेक्टर को कंट्रोल करना, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है बोलो यूट्रस गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाना, और रिलैक्सिन का काम है पेल्विक रीजन को रिलैक्स रखना, क्लियर, तो हम तीनों का कार्य देख लेते हैं, बोलो यहाँ पर मैंने कहा हार्मोन के
कार्य, ठीक है, हार्मोन के कार्य में बोलो पहला कौन है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या लिख देंगे, फीमेल में बोलो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल बोलो करेक्टर बोलो को कंट्रोल करना, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा कौन है, पोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है, पोजेस्ट्रॉन हार्मोन का काम क्या होगा, मैंने कहा ये क्या लिखा मैंने बोलो पोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या होता है बोलो, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, क्लियर, बोलो गर्भाशय, मैंने कहा गर्भाशय मतलब यूट्रस, ठीक है, में एंडोमेट्रियम में मैंने कहा एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, क्लियर, एंडोमेट्रियम एंडो मैंने कहा एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, मैंने कहा एंडोमेट्रियम की थिकनेस, ठीक है, थिकनेस मतलब मोटाई को बोलो बढ़ाना, ठीक है, ये इसका काम होता है। और तीसरा कौन सा है बोलो, रिलैक्सिन हार्मोन, नाम से ही पता है ये है बोलो आपसे, मैं पेल्विक रीजन रीजन क्षेत्र को रिलैक्स रखता है, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ रखता है, ओके, बात समझ में आई बोलो। और हमारी मिश्रित ग्रंथि अंतिम कौन सी है बोलो, प्लेसेंटा अपरा, क्लियर, हुआ नोट बोलो, ओके मैंने कहा यहाँ पर नंबर फोर्थ प्लेसेंटा, ठीक है, अपरा, यहाँ तो हमें बोलो वही एस्पेक्ट देखना है, बाकी आप जानते हो हम एम्ब्रियोलॉजी में पूरा प्लेसेंटा डिटेल से पढ़ते हैं, पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक क्षेत्र बोलो, बात समझ रहे हो ना, जिसको हम सोनी क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, ये पूरा रीजन पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, श्रोणी बोलो क्षेत्र, ओके, बात समझ को रिलैक्स समझ के बोलो शिथिल, ठीक है, बोलो मैंने कहा शिथिल रखना, ठीक है, ओके, अब मैंने कहा प्लेसेंटा बोलो एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है बोलो, आप कहोगे अम्बेलिकल कॉर्ड, क्लियर, अम्बेलिकल कॉर्ड, नाम सुना बोलो अम्बेलिकल कॉर्ड, और मैंने कहा एंडोक्राइन बोलो पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन कौन कौन से हार्मोन करता है ये देखो, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी करता है बोलो, एस्ट्रोजन हार्मोन भी करता है बोलो आप, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी करता है, और मेन बोलो एससीजी, एससीजी मतलब ह्यूमन, मैंने कहा ह्यूमन बोलो कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ह्यूमन मैंने कहा यहाँ पर बोलो ह्यूमन, ठीक है, कोरियोनिक बोलो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, क्लियर, ये हार्मोन केवल और केवल कौन करता है, प्लेसेंटा, बोलो आपसे मैं कहूँ मैंने कहा ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक बोलो कोरियोनिक गोनेडो ट्रॉपिक
ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन केवल प्लेसेंटा करता है, तो इसी की उपस्थिति से तो प्रेगनेंसी को श्योर माना जाता है। जो प्रेगनेंसी किट होता है वो इसी को डिटेक्ट करता है। ये अगर यूरिन में मिल गया मतलब प्लेसेंटा बना है, प्लेसेंटा बना है मतलब बोलो फर्टिलाइजेशन हुआ है। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको बोलो सारी की सारी मिश्रित घंटियाँ पढ़ा दी, क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, अब आपसे मेरे को हमने पूरा चैप्टर पढ़ा एंडोक्राइन, क्लियर। तो आपको क्या करना है, सीट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बोलो बात समझ में? एक यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ओके।